हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं निकिता और सेकंड ईयर मेडिकल स्टूडेंट। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे पेशेंट जिनको डायबिटीज़ है, उन्हें अपने डाइट में कौन सी चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए और कौन सी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। ऐसे पेशेंट्स जो मेडिसिन पे है, इंसुलिन इंजेक्शन पे है या फिर प्री डायबिटिक है, वो भी इन टिप्स को ज़रूर फॉलो करें। दोस्तों, आपको बेशक फ़ायदा होगा। दोस्तों, डायबिटीज़ एक बहुत कॉमन बीमारी है। यह ज़्यादातर 45 से 64 की एज ग्रुप में देखने मिलता है, पर टाइप 2 डायबिटीज़ किसी भी एज ग्रुप में डेवलप हो सकता है। छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक कोई भी इसका शिकार हो सकता है। डायबिटीज़ 3 टाइप के होते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ में बॉडी में प्रॉपर अमाउंट में इंसुलिन नहीं बन पाता, इसलिए ऐसे पेशेंट को डेली इंसुलिन इंजेक्शन की ज़रूरत होती है। जबकि टाइप 2 डायबिटीज़ में बॉडी में इंसुलिन अमाउंट प्रॉपर होता है, पर हमारी बॉडी के सेल्स उसे यूज़ नहीं कर पाते। और टाइप 3 डायबिटीज़ गेस्टेशनल डायबिटीज़ होता है। यह औरतों में प्रेगनेंसी के दौरान हो सकता है, जिसमें बॉडी की इंसुलिन के लिए सेंसिटिविटी कम हो जाती है। जो पेशेंट्स मेडिसिन ले रहे हैं या फिर प्री डायबिटिक है, उन्हें भी अपने डाइट का बहुत ध्यान रखना होता है। प्री डायबिटिक का मतलब है कि ब्लड शुगर लेवल बॉर्डर लाइन पर है, इन रेंज ऑफ 100 टू 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, जबकि नॉर्मली ये रेंज 70 टू 99 मिलीग्राम पर डेसीलीटर और फास्टिंग ब्लड शुगर 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक होनी चाहिए। दोस्तों, हम जो कुछ भी खाते हैं वो हमारी बॉडी में कैलोरीज में कन्वर्ट होता है, और ये कैलोरी इंटेक को कांस्टेंट रखना डायबिटीज़ में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। साथ ही यह ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी फूड आइटम ले रहे हैं वो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला हो। हम जो भी फूड लेते हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगी। कोई भी फूड आइटम की ग्लूकोज में कन्वर्ट होने की स्पीड कम होती है, जिससे ब्लड ग्लूकोज लेवल धीरे धीरे राइज होता है, जिसे लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड कहते हैं। जबकि कुछ फूड आइटम्स की ग्लूकोज में कन्वर्ट होने की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, जिससे ब्लड ग्लूकोज लेवल सडनली राइज होता है, जिससे आपको शुगर कंट्रोल करने में प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड आइटम्स को आपको अवॉइड करना है। इन्हीं फूड आइटम्स के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। सबसे पहले बात करते हैं कि डायबिटिक पेशेंट को क्या नहीं खाना चाहिए। इसमें आते हैं डीप फ्राई आइटम्स, तली हुई चीज़ें जैसे जंक फूड, पिज्ज़ा, पास्ता, बर्गर, स्वीट आइटम्स, हनी, गुड़, मिठाइयाँ, केक, साथ ही शुगर फ्री का यूज़ भी कम से कम करें। साथ ही कोल्ड ड्रिंक्स, ब्रेड, बिस्किट्स, चिप्स, कुरकुरे जैसी आइटम्स को भी अवॉइड करना है। साथ ही पैकेट फूड्स को भी अवॉइड करें। इसमें कई सारे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो डायबिटिक पेशेंट को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जैसे केचप, चिली सॉस, सोया सॉस। साथ ही दोस्तों, सूजी, साबूदाना और मैदे की चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड करें। अब बात करते हैं दोस्तों कि सब्जियों में डायबिटिक पेशेंट को क्या अवॉइड करना चाहिए। आलू, शकरकंद, कटहल, अरवी, ये सारी सब्जियाँ ना लें। फलों में बात करें तो तरबूज, आम, लीची, अंगूर और चीकू, ये सारे फ्रूट्स भी नहीं लेना चाहिए। साथ ही अल्कोहल का इंटेक बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो डायबिटिक पेशेंट आराम से अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। सबसे पहले आती है ग्रीन वेजेस। ग्रीन वेजेस में बैलेंस अमाउंट में प्रोटीन एंड विटामिन्स होते हैं, ये एक तरह से वरदान है। सो ग्रीन वेजेस ना सिर्फ डायबिटिक पेशेंट बल्कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए भी सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम बात करें डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, तो उनके लिए ब्रोकली, मटर, बैंगन, गोभी, टमाटर, प्याज, शिमला मिर्च, लहसुन, ये सारी चीज़ें वो ले सकते हैं। जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो उसे भी अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर फ्रूट्स की बात करें तो एप्पल, स्ट्रॉबेरी, ऑरेंज, चेरी, पपाया, ये भी खा सकते हैं। ये सारे फ्रूट्स आपकी ओवरऑल हेल्थ में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट लाएंगे। अगर ड्राई फ्रूट्स की बात करें तो बादाम, काजू, पिस्ता, अखरोट खा सकते हैं। दोस्तों, याद रहे कि किशमिश डायबिटिक पेशेंट नहीं ले सकते।
अगर हम कुछ स्पेसिफिक जूस की बात करें जो डायबिटिक पेशेंट के लिए काफ़ी हेल्दी हो सकते हैं, उनमें है आंवला, घिया, करेले का जूस, एलोवेरा जूस और साथ ही नारियल पानी भी पी सकते हैं। दोस्तों, ग्रीन टी डायबिटिक पेशेंट के लिए काफ़ी हेल्दी हो सकती है। ग्रीन टी में हाई लेवल में पॉलीफिनॉल होता है जो एक एंटीऑक्सीडेंट है। अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से फूड आइटम्स हैं जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स में आते हैं। इनमें आता है ग्रीन वेजिटेबल्स, राजमा, मूंग दाल, ब्राउन राइस, काले चने, एग वाइट और सोयाबीन। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि डायबिटिक पेशेंट को किस पैटर्न में खाना खाना चाहिए। जनरली हम अपनी मील को 3 पार्ट्स में लेते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, लेकिन डायबिटिक पेशेंट को इन्हें 5 पार्ट्स में लेना चाहिए। इससे ब्लड शुगर लेवल बॉडी में सडनली राइज नहीं होगा। और दोस्तों, ब्रेकफास्ट बिल्कुल भी स्किप ना करें, स्पेशली ऐसे पेशेंट जो मेडिसिन ले रहे हैं या फिर इंसुलिन इंजेक्शन पर है। ऐसे में हाइपोग्लाइसेमिया डेवलप हो सकता है जिससे ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत कम हो जाता है और ये एक फटल कंडीशन है। तो दोस्तों, इन कुछ चीज़ों का अगर ध्यान रखा जाए तो डायबिटीज़ को कंट्रोल करना बहुत इजी हो सकता है। सो दिस वॉज फॉर टुडेज वीडियो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को कर ले सब्सक्राइब। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विथ मेनी मोर इंटरेस्टिंग थिंग्स। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर ऑफ योर ब्यूटिफुल सेल्फ।